मेरा अगला सवाल ध्यान से सुनना योग। एक बार स्कूल के एक प्रिंसिपल ने स्कूल में एक नया कर्मचारी रखा। कुछ दिनों के बाद स्कूल में एक समारोह होने जा रहा था। उसमें कुछ बड़े ही खास मेहमान आने वाले थे। समारोह के एक दिन पहले प्रिंसिपल बहुत ही खास महंगी मिठाई लाते हैं और उस कर्मचारी से कहते हैं, डब्बे को संभाल कर रखना, समारोह में मेहमानों को देने के लिए लाए हैं। वह कर्मचारी उस मिठाई के डब्बे को एक कक्षा में सुरक्षित रख देता है। समारोह के दिन प्रिंसिपल कहते हैं, उस मिठाई को संभाल कर तो रखी है ना, थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं। यह सुनकर वह कर्मचारी डब्बा देखने उस कक्षा में जाता है। सब जानने के बाद वह कर्मचारी प्रिंसिपल को बताने जाता है, लेकिन तब तक कुछ मेहमान आकर प्रिंसिपल से बात कर रहे होते हैं। वह कर्मचारी कागज पर लिखकर मिठाई के बारे में बताता है। वह कागज पर लिखा हुआ जब प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो प्रिंसिपल उस कर्मचारी को तुरंत काम से निकाल देते हैं। उस प्रिंसिपल ने उस कर्मचारी को काम से क्यों निकाला? वह कागज ये रखा हुआ है, इसे पढ़कर तुम बताओ। इसमें सही तो लिखा है, मिठाई का डब्बा बंद रखा गया है। क्या आप बता सकते हैं इस सवाल का जवाब? इसके लिए आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। चलिए बताते हैं इस सवाल का जवाब। जब वह कर्मचारी प्रिंसिपल के कहने पर उस मिठाई के डब्बे को देखने उस कक्षा में जाता है तो वह देखता है मिठाई का डब्बा खुला डला हुआ है और उस डब्बे की मिठाई खिड़की से अंदर घुसकर बंदर खा चुके हैं। उस प्रिंसिपल ने जो पढ़ा वह सच था। कागज पर लिखा था मिठाई का डब्बा बंदर खा गया है, पर यह नहीं लिखा था कि मिठाई का डब्बा बंद रखा गया है। उस कक्षा की खिड़की से बंदर ने अंदर आकर सारी मिठाई खा ली, इसलिए उस प्रिंसिपल ने उस कर्मचारी को काम से निकाल दिया।